अरे ये कौन है? ओ ये मीनिका के मेहमान होंगे, रात आए होंगे इसलिए मुझे पता नहीं चला। अरे ये कौन है? कौन हो सकता है? अच्छा हो सकता है अरुण के मेहमान हो, रात आए होंगे मुझे पता नहीं चला होगा। मेनिका? हाँ ये लो, तुम नाश्ता तैयार कर लो, मैं तब तक मेहमान को उठा देता हूँ, फ्रेश हो लेंगे। ठीक। मेहमान जी उठो, मेहमान जी, मेहमान जी उठो, सुबह हो गई है। मेहमान जी अरे मेहमान जी डरो मत, मैं मेनिका का हस्बैंड हूँ, मेनिका नाश्ता रेडी कर रही है, तब तक आप एक काम करो फ्रेश हो लो, गोरा वॉशरूम। अरे जाओ गोरा वॉशरूम। अरे मेहमान जी किधर चल दिए? मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे, मैंने आपके लिए इतने प्यार से नाश्ता बनाया है, इसे तो खाते जाइए। हाँ आप ज्यादा मत सोचो, आ जाओ। हेलो मेनिका, हाँ बोलो। मेनिका एक सेल्फी यार, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कुछ स्टेटस पे लगाने के लिए मिल ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि आज हम दोनों का फोटो खींच के लगा देता हूँ, काफी दिन से लगाया भी नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मैं बाल तो ठीक कर लूँ। हाँ कर लो। अरे उन्हें भी जो बुला लो, साथ में तीनों का फोटो क्लिक करके स्टेटस पे लगा लेना, मेहमान आए हैं यादगार हो जाएगा। ये बात तो तुम सही कह रही हो यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे मेहमान जी आ जाओ एक फोटो। अरे आ जाओ सोचो मत, आ जाओ। अब लगाता हूँ स्टेटस, अब मिल गया। मेनिका लग गया स्टेटस। ठीक है मैं अपने घर चलता हूँ। अरे मेहमान जी कहाँ की आफत आ रही है, चले जाना।
हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी ना बहुत गर्मी हो रही है, आप ना दोपहर बाद चले जाना। ठीक है, मैं दोपहर बाद चला जाऊंगा। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा अब एक काम करो, तुम आराम से बेड पर आराम करो। ठीक है जी। अरे सुरेश तू? ओए उठ उठ, यहाँ आराम से सो रहे, उठ। सुरेश ये क्या कर रहा है, ये मेरा मेहमान है। ओए उठ उठ, कहाँ जा रहे हो? सर सर छोड़ दो, छोड़, मुझे जान, माफ कर दो। चुप, एक भी शब्द अपने मुंह से निकाल लाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? अरुण ये तेरे मेहमान है ना, जरा इनका नाम बताना। यार इनका नाम मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ये मेनिका के मेहमान है। अच्छा मेनिका को बुलाने जरा। मेनिका मेनिका हाँ? इधर आना जरा। अरुण क्या हुआ? मेनिका सुरेश को जरा इनका नाम बताना। और मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि सुरेश ने इन्हें क्यों पकड़ा, और ये सुरेश को देखकर भागे क्यों? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये तुम्हारे मेहमान है ना, तो मुझे इनका नाम कैसे पता होगा, तुम्हें पता होगा ना? मेनिका ये क्या कह रही हो, ये तुम्हारे मेहमान नहीं है? नहीं तो ये तो मेरे भी मेहमान नहीं है, मुझे लगा ये तुम्हारे जानने वाले हैं। और मुझे लगा कि ये तुम्हारे जानने वाले हैं। मेनिका ये तुम्हारे जानने वाले भी नहीं है, मेरे जानने वाले भी नहीं है, तो ये है कौन? मैं बताता हूँ, ये एक मुजरिम है, क्रिमिनल है, ये अपनी एरिया का नामी चोर है और जेल से भागा हुआ है। पुलिस तो इसकी तलाश में बहुत दिनों से थी, मैंने जैसे ही तुम्हारा स्टेटस देखा तो मैं तुरंत आ गया। अरुण जल्दी से अपना स्टेटस डिलीट कर दो, कभी इसके साथ साथ तुम भी फंसो। ये तो अच्छा हुआ मैं आया हूँ, अगर मेरी जगह और कोई आता तो इसके साथ साथ तुम भी फंसते। अरुण तो अभी ये बताओ तुम्हारा मेहमान ये बना कैसे? अरे वो मैं सुबह उठ के आई तो मैंने देखा ये बिस्तर पे लेटा हुआ था, मुझे लगा ये अरुण का मेहमान है, रात आया होगा मुझे पता नहीं चला होगा। और मुझे लगा ये मेनिका का मेहमान होगा, रात आया होगा इसलिए मुझे भी पता नहीं चला। अच्छा अब तू बता इनके बेड पर सोकर यहाँ क्या कर रहा था? बताता है बताता, ये कौन लगाऊं? बताता बता दो, मैं यहाँ चोरी करने आया था। मजे तो ये ले रहे हैं ऐसी वाले, यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, मजा आ रहा।
धत्ते रहेगी, इतने बड़े अमीर लोगों के घर में कुछ नहीं मिला। एक काम करता हूँ, कुछ नहीं मिला तो कुछ देर एसी का मजा तो ले लेता हूँ। उसके बाद मेरी आँख लग गई और जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने एक खड़ा था जिसने मुझे अपना मेहमान समझ लिया। तो मेनिका, हमने उसी को नाश्ता खिलाया, हमने उसी की सेवा की जो हमारे घर में चोरी करने आया था। ये चोर बढ़िया रहा भाई। सुरेश ले जा इसको और इसको छोड़ना मत। चल बे, तुझे ऐसी के मजे तो मैं लिवाऊंगा, मैं सुनाऊंगा तुझे बैठ पर। चल चल मैंने कहा तुम बता नहीं सकती थी कि तुम्हारा मेहमान नहीं है। तो तुम भी तो बता सकते थे कि तुम्हारा मेहमान नहीं है। यार ना तो तुमने मुझसे पूछा ना मैंने तुमसे पूछा। अब पता ही नहीं था। अब से ना एक काम किया करेंगे, पूछ लिया करेंगे अगर किसी को नहीं जानते तो। हाँ पहली बार चल जाएगा तुम्हारे मेहमान है या मेरे मेहमान है। हाँ यार बिना फालतू के इतना खर्चा और हो गया। चोर निकला बताओ।